हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक काफी इंटरेस्टिंग ड्रैग रेस लाने वाले हैं, जो कि होने वाली है BMW वर्सेस स्कोडा। अब स्कोडा की बात करें तो हमारे पास खड़ी है स्कोडा ऑक्टाविया, जो कि मतलब मार्क 3.5 वाली। ये अपनी 1.8 TSI है DSG ट्रांसमिशन के साथ, DQ200। तो मतलब जो इसका आपको पता है लॉन्च नहीं होती है। पावर स्पेस की बात करें तो इसमें 177 हॉर्स पावर और 250 Nm का टॉर्क आता है। 1.8 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है, DQ200 के साथ लॉन्च नहीं होगी। बात करें गाइस तो ये है अपनी 6 सीरीज GT 630D है ये, जो कि अपनी जो इसमें अपना फेमस BMW का 6 सिलेंडर इंजन आता है अपना डीजल 3 लीटर का, जो कि प्रोड्यूस करता है 258 BHP और 600 Nm का टॉर्क। और इसमें अपना टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स आता है, जो कि लॉन्च हो जाता है। रियर व्हील ड्राइव है, तो BMW के पास बहुत सारे ऑलमोस्ट सारी एडवांटेज है। रियर व्हील ड्राइव है, 600 Nm टॉर्क है, टॉर्क कन्वर्टर है, लॉन्च भी हो जाएगी, प्लस इसका लॉन्च होगा भी काफी पावर, पुट डाउन बहुत अच्छे से कर देगी। वेट का डिसएडवांटेज है, वेट अपनी ऑक्टावे का जो है वो 1378 kg है और BMW का अराउंड 1900 kg है। तो वेट का एडवांटेज ऑक्टावे के पास है, एरोडायनामिक्स का भी एडवांटेज ऑक्टावे के पास है, बिकॉज इसमें स्पॉइलर है और इसकी थोड़ी GT वाली शेप है, मतलब जो मतलब कूप टाइप शेप है, तो उसकी वजह से एरोडायनामिक एफिशिएंसी ज़्यादा ऑक्टाविया की होगी। बाकी काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग ड्रैग रेस होने वाली है ये, बिकॉज 1.8 का क्या है कि वो 520D को तो बहुत ईजिली मतलब खत्म कर देती है, तो इसके साथ करने में ज़्यादा वो अच्छा कंपैरिजन रहेगा, बिकॉज 530D जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है कंपेयर टू 630D। तो देखते क्या रहेगा। फर्स्ट राउंड ये गाड़ी जो है ये स्पोर्ट मोड में लग चुकी है, गेयरबॉक्स भी इसका स्पोर्ट मोड पे है, ट्रैक्शन ऑफ है, मतलब ये फुल पावर प्रोड्यूस कर रही है अपनी, जितना इसमें सारी स्पोर्टी सेटिंग्स है सारी हो चुकी है। ऑक्टावे की बात करें तो AC ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, ड्राइव मोड पे अभी, ठीक है, चलो ठीक है। तो एक चीज़ है गाइस, बिकॉज इसमें 3 पैसेंजर बैठे हैं तो एक थोड़ा सा एडवांटेज दे दिया है, तो चलो ट्राई करते हैं। फर्स्ट कर दो शीशो बोल। तो गाइस ये तो डील कर लिया भाई 30D ने और निकल गई, निकलती जा रही है भाई। ये तो ये क्या हो गया, रोहन से काफी फर्क आ गया, देखो ओपन आती जा रही है क्या अभी तो। अराउंड कितने पे ब्रेक ली, 180 पे, और ये तो जीत गई, तो गैप बना दिया। लॉन्च से बहुत फर्क आ गया, उस समय हमने नॉर्मल उठाई ना, तो शायद से हार गई। वो ब्रेक ले ली थी क्या उस समय? ब्रेक नहीं ली थी, ट्रैक्शन ही ऑफ नहीं था। अच्छा, खड़े खड़े बहुत ज्यादा व्हील स्पिन आ गया। और अभी तो थोड़ी लेट लॉन्च हुई हमारी, तब भी वही करूंगा। और एक चीज हो रहा है, अभी 3 पैसेंजर है इसमें, तो थोड़ा सा एक एडवांटेज भी है अभी, तो करते हैं रेडी 3 2 1। बहुत ही खतरनाक लॉन्च भाई, 630D जो बहुत खतरनाक लॉन्च है, और अब गैप बनाती जा रही है। ब्रेक ले लिया गाइस हमने, बिकॉज आगे गाड़ी आ गई थी तो हमने थोड़ा सा स्लो कर लिया। तो अभी तक तो लेकिन अपनी 630D आगे थी, इसका इनिशियल जो 0 to 150 है ना, वो 600 Nm टॉर्क की वजह से काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्विक है, वो गैप ही बना देती है उतनी देर में, फिर वो टर्बो पेट्रोल बाद में रील करने लगेगी। तो गाइस रेडी है, मैं 3 2 1 कर दूंगा, 3 2 1। कोई नहीं, निकल गई अभी भी आ गए, इनिशियल बहुत ही स्ट्रांग है। ब्रेक लिया हमने और नहीं आ पा रही भाई ऑक्टाविया, अराउंड 1 to 2 कार लेंथ का गैप बन जाता है, वो कांस्टेंट रहता है उसके बाद, लेकिन ये आने नहीं देती, ऐसा नहीं है कि वो रील कर ले। 186-190 तक ही पहुंच गए थे ना, लॉन्च को इक्वेशन से हटा देंगे, अब हम रोल रेस करेंगे, और उसमें क्या है जो उसको एडवांटेज लॉन्च का है ना, वो नहीं मिलेगा, बिकॉज इसमें तो लॉन्च ही नहीं होती है बिल्कुल, तो तब देखते क्या डिफरेंस रहेगा। अभी भी नीचे शायद से जाएगी, 600 Nm टॉर्क है। लग रहा है देर भी ले ली उठाने में गाड़ी का, अथर्फ को, हाँ अथर्फ को चलानी पड़ेगी, उसको ना मैनुअल में रखना पड़ेगा, फिर मैनुअल से उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वो ऑटो शिफ्ट कर नहीं करती। डीजल इंजन है, छोटे गियर भी तो होते हैं, 8 गियर भी है। मार्क 3.5 है, हाँ यार। तो शुरू कर रहे हैं रोल रेस, फर्स्ट राउंड, अभी कोई ढंग से राउंड हो नहीं पाया, पहला एक राउंड हुआ था उसमें तो हरा दिया था ऑक्टाविया ने, अब देखते हैं। अब अथर्फ चला, हाँ अब सही उठी है, ओ नहीं नहीं कर पा रही थी, देखो साइड में ही है, नहीं
बिल्कुल साइड में अभी भी आ गई। पता ब्रेक ले लो। अरे तो आ रही है थोड़ी बहुत आ वही वो 150 160 तक आएगी वही वही। अभी एसी ऑन था ऑफ था? तो करते हैं फिर से तो शुरू करते हैं गाइस। अब दे दो फिर वही हो गया निकल गई। अब तो निकलती ही जा रही है। अभी किक डाउन में रखी है मैंने फुल। पिछली बार किक डाउन में नहीं थी। नहीं कर रही रील भी नहीं कर रही। अब तो बिल्कुल टेल पर है बट नहीं ब्रेक ले लो। 200 पहुंच गई गाइस। इस गाड़ी के लिए 200 तो कुछ भी नहीं है। नहीं कर पाई वो रील भाई हार गई है तो ये सही था बस भाई। और गाइस जैसा कि आपने देखा कि ड्रैग में जो है अपनी 630D जीत जाती है बिकॉज जो इनिशियल लॉन्च है ना उसमें वो अराउंड 1-2 कार लेंथ का गैप बना देती है अराउंड 120 के करीब। उसके बाद गैप जो है वो कांस्टेंट रहता है। ऑक्टाविया ज़्यादा गैप मतलब 630D गैप आगे फर्दर नहीं बना पाती और अराउंड 190-200 के करीब जो है ऑक्टाविया रील करना शुरू कर देती है 630D को। और रोल रेस की बात करें तो रोल रेस में जैसे कि आपने देखा कि अपनी जो 630D है वो अराउंड इससे 150 तक मतलब कंपीट कर लेती है अराउंड हाफ कार लेंथ के, लेकिन उसके बाद ये फिर से पुल करने लग जाती है। और रोल रेस में इनिशियल से ही आगे रहेगी बिकॉज उसमें जो लॉन्च वाला जो अपना रहता है वो चले जाता है गियर बॉक्स का आ जाता है और वो टॉक कन्वर्टर है वेयर एज वो DSG है तो उसकी शिफ्टिंग ज़्यादा तेज़ है कम्पेयर टू 630D। तो वो एक एडवांटेज फिर ऑक्टावे के पास चले जाता है। बट वैसे आप ये देखो गाइस कि वो 1 CR अराउंड 1 CR की गाड़ी है 600 Nm टॉर्क BMW और ये जो है भाई ये 1.8 TSI है। ये देखो आपकी अराउंड 24 lakhs में ये परफॉर्मेंस मिलती थी स्कोडा से। तो आप ये देखो ये गाड़ी कितनी फास्ट है। बाकी आप बताना आपकी क्या थॉट्स है इस वीडियो पे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना ऐसे बड़े से वीडियो के लिए। अभी के लिए बाय।